द्रास की जो डिस्टेंस है वो कुछ अराउंड 3 किलोमीटर्स और है, और वो आप सामने देख रहे हो, दैट इज द इनक्रेडिबल कारगिल वॉर मेमोरियल। मैन ओ मैन, आई एम ऑलरेडी गेटिंग द गूज बम्स। हेलो, कारगिल, कारगिल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कारगिल वॉर मेमोरियल ये हमने विजिट कर लिया है, और अब हम बढ़ रहे हैं वहाँ कारगिल की तरफ। तो यहाँ से लेंगे राइट और जाएंगे सीधा कारगिल के लिए, और वहीं आज हमारा रात का स्टे है। सो अराउंड 50 किलोमीटर्स होगा कारगिल का डिस्टेंस यहाँ से। सो गाइस, हमने कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट किया आज, एंड इट वाज एन इनक्रेडिबल फीलिंग, यू गेट गूज़बम्प्स फॉर श्योर। और हमारे वीरों के बलिदान जो हैं वो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे, उसके बारे में जानने को मिलता है। हमारी इनक्रेडिबल आर्मी जो दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज है, मोस्ट पावरफुल आर्मीज में से एक है, उनके पास्ट स्ट्रगल और कैसे हमने कारगिल में अंडर पावर अंडर रिसोर्स होते हुए भी अपनी बहादुरी, अपने जवानों की हिम्मत और ताकत के दम पे वो वॉर जीती, उसके बारे में आज जानने को मिला। एंड या द फीलिंग वॉज जस्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आई वुड से कि अगर आप लद्दाख आ रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली विजिट कारगिल वॉर मेमोरियल। और वहाँ पे कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने होंगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आर्मी, फॉर आवर मार्टर्स, फॉर आवर ब्रेव हार्ट्स। So some of the rules which I can remember is
आप वहाँ कैमरा यूज़ कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, फोटो ले सकते हो, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट सिट. पूरे के पूरे वॉर मेमोरियल में आप कहीं पे बैठ नहीं सकते हो. आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आर ब्रेव हार्ट्स, बैठना अलाउड नहीं है. तो इसीलिए वहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है. तो आई मीन इसीलिए हम वहाँ पे नहीं बैठ सकते. उसके बाद एक और रूल ये था कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसको आप विज़िट कर सकते हो, बट उस म्यूज़ियम के अंदर में आपको कैमरा या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं है. और अगर आप ले जा रहे हो तो उसको ऑफ करके अपने पॉकेट में रखो. यू कैन नॉट शूट वीडियो और टेक वीडियो और टेक फोटोज़ देयर, इट्स नॉट अलाउड. उस म्यूज़ियम के अंदर आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे कारगिल वॉर से रिलेटेड. कैसे हमने टाइगर हिल कैप्चर किया था उसकी डिटेल्स, हमारे जो सोल्जर्स वहाँ पे शहीद हुए थे उनके बारे में, अलग अलग आर्मी के अलग अलग बटालियंस, अलग अलग कंपनीज के बारे में, और प्लस जो हमारे दुश्मन देश से जो आर्टिफैक्ट्स जब्त किए गए थे इन टर्म्स ऑफ वेपन्स या जो मोटार्स वगैरह थे, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे. सो या आई थिंक इट्स प्रिटी नाइस, आप जा सकते हो. और कारगिल वॉर मेमोरियल के बाहर आप जब निकलोगे तो आपको खाने पीने का भी बहुत सारा सामान मिल जाएगा वहाँ पे आउटसाइड द कैंपस ऑफ वॉर मेमोरियल. वहाँ पे शॉप्स हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम. इफ यू फील हंग्री देन यू कैन एंजॉय सम रिफ्रेशमेंट. हमने मैगी, कावा और राजमा चावल ये सब खाया, काफ़ी टेस्टी था और मज़ा आ गया खा के. और हाँ, अगर आप कश्मीर आ रहे हो या कारगिल आ रहे हो या द्रास से क्रॉस कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू ट्राई कश्मीरी कावा, इट्स प्रिटी अमेजिंग, यू विल लाइक इट. इट्स बेसिकली ग्रीन टी इन्फ्यूज्ड विद सम हर्ब्स, सम लेमन ज़िस्ट एंड सम हनी. इट्स स्वीट एंड इट्स टेस्टी. मैंने ले लद्दाख का जो आइटनरी प्लान कर रहा था तो मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स देखे, वीडियोस देखे, बहुत लोगों ने तारीफ़ की है, वीडियोस में अच्छी तरह से कैप्चर किया है पहाड़ों की ब्यूटी को. बट जब आप एक्चुअल में इसको रियल लाइफ में देखते हो तो फीलिंग इज़ डिफरेंट. यू नीड सम डेज टू एक्चुअली प्रोसेस इट, टू एब्जॉर्ब इट. और एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे आके. लैंड ऑफ लामा बोलते हैं इसको. कितने सारे लूज स्टोन्स हैं सब अटके हुए मिट्टी में, जो हल्की सी बारिश या किसी और वजह से कभी भी गिर सकते हैं स्लाइड डाउन करके नीचे. सो इट्स लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, ऐसी वार्निंग भी लगी है पीछे में. तो वार्निंग स्पेशली सेज कि आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, कीप मूविंग और ध्यान दें अगर कोई गिरता हुआ पत्थर आ रहा है इधर तो मतलब उसको डॉज करें एंड कीप योरसेल्फ सेफ. आज का ब्लॉग शायद थोड़ा लंबा हो जाए, आई एम नॉट श्योर. अगर हुआ तो मैं इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा, और अगर साइज ठीक ठाक रहा देन विल सी. मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है, मैं बस रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ, बट विल सी ड्यूरिंग एडिटिंग. बट आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट सो दैट आपके लिए भी वो इंटरेस्टिंग रहे. और थोड़ा सा लंबा अगर हो भी जाए दोस्तों तो देख लेना, इट्स पैक्ड विद इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट और बहुत सी चीज़ें जो अगर आप 2023 लेटेस्ट लद्दाख से रिलेटेड इन्फो चाहते हो तो आई मीन इट्स अ गुड वीडियो टू वॉच. और बाकी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार से ही मैं और ज़्यादा कंटेंट ला पाऊँगा आपके लिए. आपका सपोर्ट, आपकी इंगेजमेंट जो कमेंट सेक्शन में मिलेगी, जो लाइक्स के फॉर्म में मिलेगी, वो मेरे लिए उससे बड़ा गिफ्ट और कुछ भी नहीं है. सो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गॉड स्पीड ट्रैवलर.
और ये गांव माता है हमारे रोड के बीच में, सो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और ये नदी जा रही है नीचे, मन तो कर रहा है मैं डुबकी लगा दूं इस नदी में, बट ये ग्लेशियर से पिघल के बना हुआ पानी है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इनफैक्ट जब मैं वॉर मेमोरियल में भी हाथ धोने गया था वहाँ पे वॉशरूम में, तो वहाँ का भी जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। सो आई मीन सो आई थिंक कुछ टाइम तक आप शायद नहाने को इग्नोर भी करोगे जब तक आप इस रीजन में रह रहे हो, या मे बी जब आपको हॉट वाटर मिल रहा है कहीं पर, गीज़र वगैरह की फैसिलिटी मिल रही है, तब ओनली यू कैन प्लान फॉर टेकिंग बाथ, बिकॉज द वेदर इज़ वेरी कोल्ड हियर। एंड द्रास इज एक्चुअली नोन एज द वन ऑफ द कोल्डेस्ट हैबिटेबल प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ। सो मेरी कुछ लोकलाइट लोगों से बात हो रही थी, सो दे वर टेलिंग कि रात के टाइम पे यहाँ द्रास में माइनस में कभी कभी चला जाता है टेम्परेचर, ठंड के टाइम में तो डेफिनेटली जाता है, इस टाइम पे जून जुलाई मई के भी मौसम में माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, सो इट्स वेरी कोल्ड हियर एट द्रास एक्चुअली। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप श्रीनगर से लेह की तरफ जा रहे हो, और अगर आप एक दिन में लेह नहीं करना चाहते हो, इफ इट्स घाट्स आर टू मच एंड द डिस्टेंस इज टू मच, देन बेटर टू स्टे एट कारगिल और लामा यूरू रेदर देन द्रास, बिकॉज द्रास बिकम्स वेरी कोल्ड एट नाइट, सो फॉर मेनी पीपल इट माइट गेट सम डिफिकल्ट, इट माइट गेट डिफिकल्ट फॉर देम बेसिकली। और मैं बोलते बोलते अपने थॉट्स में खो जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की ब्यूटी इतनी अच्छी है कि आई एम जस्ट वॉचिंग इट मैन, आई एम जस्ट इन्जॉइंग इट, आई एम जस्ट लॉस्ट फॉर वर्ड्स, दैट्स वाई बोलते बोलते मैं हिंदी इंग्लिश में स्विच हो जा रहा हूँ, या फिर आई मीन पता नहीं, बट इट्स ओवरवेलमिंग टू बी ऑनेस्ट। एंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज, वीडियोज़ आप कितने भी देख लो, बट जब तक आप खुद यहाँ नहीं आओगे यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस द थिंग्स विच आई एम एक्सपीरियंसिंग, यू जस्ट कांट, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब आप अपनी आँख से देखते हो तो दैट्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट बॉल गेम, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विच आई डोंट थिंक इज पॉसिबल व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग विद द कैमरा। सो गाइस वी आर इन कारगिल टाउन नाउ, और अपने होटल से हैं 300 मीटर की दूरी पे, बट गूगल को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ रूट्स क्या है करेक्ट, क्योंकि अभी ये दो रूट्स पे हमें ले गया जो कि नो एंट्री थे या वन वे था, तो ऑब्वियसली पुलिस ने हमें वहाँ अलाउ नहीं किया, सो वी हैड टू टेक एन ऑल्टरनेट रूट। सो नाउ इट्स शोइंग अराउंड 220 मीटर्स एंड वी आर जस्ट ऑन द वे। आज का यही प्लान है दैट वी विल जस्ट स्टे फॉर द नाइट एंड देन स्टार्ट फॉर लेट टुमारो मॉर्निंग, और विल टेक गेट सम मच नीडेड स्लीप। Leh is just around 270 kilometers from here, so we will be starting little late tomorrow, probably after getting a good night's sleep. So yeah, that's pretty much it from my side, from Godspeed Traveler. This is Amrit signing off. Bye bye.